अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। तमाम कागजात वो पहले ही जमा कर चुके हैं, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वो जमा कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो वो पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। देखिए केंद्र के नाम पे चर्चाएं हैं और कल बैठक में भी वो शामिल रही थी विधायक दल की। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार या भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के, और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। उसके लिए नाम अभी तक कोई ऐसा सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही रहेंगे। चर्चाएं हैं लेकिन पार्टी मीडिया से ही हमें सुनने को मिलता है जी। ठीक है, एक सवाल कि कल केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी देश का बजट पेश करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन एक महिला सांसद होने के नाते? देखिए मैं चूंकि महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हूं झारखंड में, तो मैं तो हमेशा चाहूंगी कि महिलाओं के लिए ऐसा बजट बने कि जो हमारे देश में महिलाओं की शर्मनाक स्थिति है, कई जगह अभी भी ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या है, डायन हत्या की समस्या है, घरेलू हिंसा, बाल विवाह की समस्या है, इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ऐसा बजट बने कि इस पर अवेयर भी लोगों को किया जाए। कई बार सब चीज होती है लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से या अंधविश्वास की वजह से, इसके लिए एजुकेशन जरूरी है और स्वावलंबी होना जरूरी है, तो कुटीर उद्योग और तमाम तरह के रोजगार का सृजन महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए बजट होना चाहिए कि महिलाएं उस बजट से, कई बार सब्सिडी भी देनी चाहिए क्योंकि हमारे स्टेट में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है पलाश ब्रांड वगैरह की व्यवस्था, लेकिन अन्य स्टेट्स में आपने देखा होगा कि महिलाएं जो बेरोजगार होती हैं वो घर में बैठ के रोजगार कर सके परिवार को देखते हुए, क्योंकि कई परिवारों में बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती है, तो स्वरोजगार से जोड़ने के लिए घर में उनको कौशल विकास का ट्रेनिंग दिया जा सकता है, बंगाल वगैरह में होता है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जा सकता है, और उनको लोन दिया जाना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, उसमें रियायत भी देनी चाहिए या कभी कभी माफ भी करना चाहिए ताकि वो अपनी पूंजी बना ले। महिलाएं एसएचजी ग्रुप के माध्यम से अपनी पूंजी बनाकर अगर वो अपने हाथों से कुछ बनाएंगी, व्यापारी आकर उनसे खरीद कर ले जाएंगे, तो घर बैठे भी उनको रोजगार से जोड़ने की सहूलियत मिलनी चाहिए, ताकि जो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती हैं सामाजिक प्रतिबंध की वजह से या अशिक्षा या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से, उनको फोकस करके बजट बनना चाहिए कि वो स्वावलंबी हो और फिर वो आगे बढ़े। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा कि क्या स्थिति अभी भी है, सरकार इतने सारे दिन पूरे हो गए केंद्र सरकार के, अभी तक महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, अत्याचार और इसके शिकार हो रही हैं, महिला असुरक्षा की स्थिति अभी भी बनी हुई है, रेप की घटनाएं बढ़ी हुई हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा इसके लिए मुहिम चलाना होगा और उसमें बजट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे वन स्टॉप सेंटर वगैरह महिलाओं के लिए जो बनाने की बात हुई थी अभी भी हर जगह कारगर नहीं है, वो सिर्फ कागज कलम में ज्यादा है, उस पर करना चाहिए। निर्भया फंड जो 1,000 करोड़ हर साल अकाउंट में जमा होता है, कई बार बजट तो हो जाता है लेकिन उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं होता, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, जिसका लाभ पीड़ित महिलाओं को नहीं मिल पाता। ये जो निर्भया फंड है 1,000 करोड़ का हर साल जो जमा होता है अकाउंट में निर्भया कांड के बाद से जो बना है उस तरह की महिलाओं के लिए, उसका आप देखिए कि कितने राज्यों में उसका इस्तेमाल सही ढंग से हो पाता है। तो इन सब पर भी फोकस करना होगा कि बजट भी बने और प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन भी सही ढंग से होना चाहिए। अगर उसको आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो इस तरह से वो इधर उधर हो जाएगा, बंदरबांट हो जाती है उसकी।